रहीम, हमने जो कल का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को स्टार्ट किया था और हमने सबसे पहले फिजिकल बैलेंस की बात की थी। आज हमारे पास मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का ही दूसरा एक डिवाइस है जिसको हम लीवर बैलेंस बोलते हैं। इसको लीवर बैलेंस क्यों बोलते हैं, याद रखिएगा कि लीवर बेसिकली हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, जैसे आप देखते हैं कि जब ट्रक लोड हो रहे होते हैं, यानी कि जब हम लोडिंग कर रहे होते हैं ट्रक में, तो उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन की तरह की एक ड्रॉ की होती है, एक शेप जो है वो बनाई होती है, ताकि इजीली आप उसको पैक कर सके सामान को उस तरह। तो लीवर भी बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट साइड पर जो डायग्राम है, इसमें ये एक लेवल सिस्टम है, इसमें ये जो सपोर्ट्स है, जिस तरह चेयर की सपोर्ट होती है ना, चेयर की जो लेग्स है बेसिकली, उस तरह यहाँ पे भी सपोर्ट्स हैं, इनको हम लीवर्स बोलेंगे। यानी कि ये भी लीवर है और ये भी एक लीवर लगा हुआ है यहाँ पे, और इन लीवर्स के साथ क्या ऊपर टैग है, ये पैंस हैं दोनों, जिसमें आप देख सकते हैं रेड कलर का एप्पल पड़ा हुआ है और एक लेफ्ट साइड स्टैंडर्ड मैसेज पड़े हुए हैं। अगर डायग्राम को मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर दूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए इसमें, कि जो आपके पास लीवर सिस्टम है ये बेसिकली कनेक्टेड है, कनेक्टेड है पैन सिस्टम के साथ। तो ये भी लीवर सपोर्ट आ गई, ये भी लीवर सपोर्ट आ गई, दरमियान में इसको बीम कह सकते हैं, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, पॉइंटर लगा हुआ है। ये स्टैंडर्ड मैसेस लेफ्ट साइड पे, और ये राइट साइड पे आपके पास अननोन मैस जो है वो आपने, यानी कि जिसका मैस आपने मेजर करना होता है बेसिकली, वो यहाँ पे बड़ा होता है। तो ये जो सिस्टम है इसको लीवर बैलेंस बोलते हैं। एक बात याद रखती है, पहले भी हमने ये बात कही थी कि ये जो पॉइंटर है, ये जो स्केल बना होता है ना, कैलिब्रेटेड होता है स्केल ये वाला, इसमें ये पॉइंटर जीरो पे होना चाहिए, ये जीरो एरर इसका जो है जीरो होना चाहिए। अगर ये पहले से ही, यानी कि सपोज ये पैंस खाली है ऊपर से, अगर ये पहले से जीरो पे है, इसका मतलब है जीरो एरर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये राइट लेफ्ट पे कहीं पे भी है, तो जितनी वैल्यू ये शो कर रहा होगा ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, जो भी इसके ऊपर कैलिब्रेशन है, तो आप उतना माइनस करेंगे उसमें से, इनिशियल वैल्यू में से। तो ये जीरो पे होना लाजमी है, यानी कि आप जीरो करेक्शन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो हमने पढ़ा हुआ पहले। ये अब जब आपने सपोज कोई एक स्टैंडर्ड मैस, यानी कि आप गए शॉपकीपर के पास, आपने कहा कि मुझे इतने किलोग्राम एप्पल चाहिए, ग्राम में एप्पल चाहिए, तो उसने क्या करना है, उसने लेफ्ट साइड पर सपोज स्टोन रख देने, ये नोन मैसेस होंगे, और राइट साइड पर उसने एप्पल डालने शुरू कर देने। तो जब ये दोनों का मैस बराबर हो जाएगा ना, तो इनिशियली होगा क्या कि ये इधर पॉइंटर है, ये रेड वाला, ये किस पे आ चुका होगा, जीरो पे। अगर आप इनिशियली ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को, आप सिर्फ पहले पैन में, लेफ्ट पैन में नोन मैसेज रख दें, स्टैंडर्ड मैसेज रख दें। स्टैंडर्ड मैसेज कौन से होते हैं, जिसको हम कंपेरिजन कर रहे होते हैं, जिसके तहत हम चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे ये रखोगे ना, तो आपके पास क्या होगा, ये पॉइंटर अपनी पोजिशन से डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये जो लीवर सिस्टम है यूजली ये मूवेबल सिस्टम होता है, तो ये भी अप एंड डाउन मूव कर जाएगा, यानी कि एक साइड पर झुक जाएगा ये जो लीवर सिस्टम। आप दूसरी साइड पर जब आप एप्पल्स डालने शुरू करोगे, तो ये बैलेंसिंग कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा, अगर ये नीचे गया था तो वापस ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब दोनों का मैस लेफ्ट राइट पैन के बराबर हो जाएगा, तो इस केस में जो लीवर सिस्टम है बेसिकली क्या करेगा, बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो हमारे पास ये जिस तरह इस वक्त भी बैलेंस कंडीशन में शो हो रहा है, तो ये जो पॉइंटर है ये उस वक्त जीरो पे आ चुका होगा। तो जब ये पॉइंटर जीरो पे आ जाता है, तो आपके पास जो वैल्यू है, आप स्टैंडर्ड मैसेस के साथ, यानी कि सपोज ये 250 ग्राम है, तो ये वाला मैस जो अननोन मैस है एप्पल का, ये भी कितना हो चुका होगा, 250 ग्राम हो चुका होगा। यानी कि मतलब है कि ये जो आपके पास पॉइंटर है, ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू शो नहीं कर रहा होता है मैसेस की, ये सिर्फ एक कैलिब्रेशन है इस नीडल को, रेड कलर की नीडल को जीरो पे लेके आने के लिए, ताकि ये हमें सिर्फ इस बात की इंडिकेशन होती है कि दोनों साइड्स पे पड़ा हुआ मैस बराबर हो चुका है, तब ये जीरो पे होगा। मैसेज आप यहाँ से मेजर कर रहे होते हैं, पैंस के थ्रू मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड मैस है, आपने उसको राइट साइड के मैस के साथ कंपैरिजन किया, तो अगर ये दोनों बराबर हैं, तो राइट पे भी वही मैस है, यानी कि एप्पल्स का मैस भी उतना ही होगा, लेफ्ट पे भी मैस उतना ही होगा। तो इसीलिए इसको लीवर बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें लीवर सिस्टम इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास जो है आ गया लीवर बैलेंस की एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है, ये हमारे पास आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, लीवर बैलेंस ज्यादा हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं आजकल, और ये आपके पास अक्सर जगहों पे, किसी शॉप पे आप जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में आते हैं, तो ये ग्रोसरी शॉप से बड़ा होता है, योगर्ट और मिल्क की जो शॉप में बड़ा होता है। तो ये भी क्या है, मैथ्स मेजरिंग डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, और ऑब्वियसली जब कोई चीज एनालॉग की बताए इलेक्ट्रॉनिक पे आ जाए, डिजिटल पे आ जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है,
लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ग्लास केस है, यूजुअली ये होता नहीं है ग्लास केस, वैसे अगर आप देखें तो बेसिकली एक पैन होता है नीचे बस सिल्वर कलर का, तो ग्लास केस बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये इस वक्त फिजिकल फिजिक्स की लेबोरेटरी का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि शो किया गया है, तो इसमें इसने यूज किया है इसको ग्लास ग्लास केस को भी। और ये ग्लास केस में क्यों रखा जाता है, ताकि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, फॉर एग्जांपल जो एयर है वो इम्प्योर्स के जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो इसमें तरफ एंटर ना हो सके। बहरहाल ये हमारे पास जो है उसकी वजह से मैस होता तो नेग्लिजिबल ही है, लेकिन बहरहाल इसको साफ रखने के लिए और इसको क्लीन करने के लिए ये आसान हो जाता है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है इसमें क्या क्या है, ये आप देख सकते हैं पैन है, इसमें आप क्या रखेंगे, वो मैस रखेंगे जो अननोन होगा, जिसका मैस आपने फाइंड आउट करना है। सपोज कर लें आपके पास कोई सी आपने ऑब्जेक्ट बाय किया है, तो आप उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे इस केस में। तो नीचे ये जो है डिस्प्ले जिस तरह कैलकुलेटर पे आ जाता है, तो ये डिस्प्ले आ जाएगा। ऑब्वियसली इसकी इंटरनल सर्किटरी किस तरह है, वो कैसे वर्क करता है, हमने इसको नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ इसको जस्ट ओवरव्यू लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आपको डिजिटल यानी कि डिजिट्स में आंसर देता है। और ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और इनलार्ज कर दूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये ग्राम्स में 4.4956 ग्राम शो कर रहा है, तो यानी कि आपके पास डिजिटल डिस्प्ले आना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली आप इस ग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं किलोग्राम में, जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब जब आपने इसको, अब इसमें एक स्विच लगा होता है, जब आपने इसको देखें यहाँ पे भी मेंशन है ये बात कि बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ अ बॉडी इट इज स्विच्ड ऑन। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई भी डिजिटल डिवाइस है, आप देखें ना कैलकुलेटर होता है आपके पास, आप जब तक उसको ऑन का बटन नहीं प्रेस करते तो वो आप उसको यूज नहीं कर सकते, आप इतना मर्जी मल्टीप्लाई का डिवाइड का साइन करते हैं बगैर उसके, इसलिए हमने इसको स्विच ऑन करना होता है पहले, उसके बाद रीडिंग इसकी सेट टू जीरो करनी होती है, इस पे बटन नॉब लगे होते हैं जो इसको जीरो पे ले आते हैं, जिस तरह आपके पास कैलकुलेटर में भी एक जिसपे सी लगा होता है या एसी लिखा होता है, सी लिखा होता है या एसी लिखा होता है, उसकी वजह से जो भी आपकी प्रीवियस कैलकुलेशंस हैं या आपके पास वो जो डिस्प्ले है वो जीरो पे आ जाता है। उसके बाद आप जो है जिस ऑब्जेक्ट को आपने वे करना है, इसका मैस आप मैयर कर रहे हैं, आप उस पैन में रखेंगे, डिजिटल डिस्प्ले आ जाएगा आपके पास, इस तरह से आप इसको मैयर कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने तीन बैलेंसेस पढ़े हैं, हमने बीम बैलेंस पढ़ा, फिजिकल बैलेंस पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़ा, सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, हमने लीवर बैलेंस भी पढ़ लिया। तो अब यहाँ पे जो लीवर बैलेंस है ये ऑलमोस्ट ये भी बीम बैलेंस की तरह का ही है। तो अब आपके पास जो बीम बैलेंस है और फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, हम इसको इस तरह ये इस सेंस में पढ़ेंगे, कंपैरिजन हम इस तरह करेंगे कि कौन ज्यादा हमें ज्यादा स्मॉल वैल्यूज मेजर कर देते हैं, यानी कि कौन हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है मैथ की। ये बार याद रखिएगा, हम कंपैरिजन जब कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे उसने ऊपर एक वर्ड यूज किया द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस का, उसने एडिंग लिखी है यहाँ पे या इसने मेंशन किया यहाँ पे। तो अब वो कहते हैं कि सपोज एक वन रुपी कॉइन है आपके पास, आप उसका मैस मेजर करना चाह रहे हैं, तो आप डिफरेंट डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। अगर उसने बीम बैलेंस मेजर करना है, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, तो सब आंसर सेम नहीं होगा, सब आंसर डिफरेंट होगा, उसकी एक रीजन है। अब इसने जब आर्टिकल्स लिखे हैं उसमें इसने ये मेंशन नहीं किया था पहले कि बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट कितना होता है, फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का लीस्ट काउंट कितना होता है। लेकिन पहले मैं आपको अभी ये बता दूं कि यू हैव टू नाउ रिमेंबर दीस, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है। बीम बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम, 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम, इसने इसको कन्वर्ट करके लिखा हुआ है 0.1 ग्राम को मिलीग्राम्स में, 100 मिलीग्राम, तो आप इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल एक बात याद रखिएगा कि अगर हम ग्राम्स में सपोज कर लें, हम स्टैंडर्ड इस वक्त सपोज कर लें ग्राम्स को मान लेते हैं, तो ग्राम्स में क्योंकि हम स्मॉलर मैसेज की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम ग्राम में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कॉइन का मैस ऑब्वियसली ग्राम्स में होता है, किलोग्राम्स में नहीं हो सकता। अब आपके पास यानी कि ना होने का मतलब है कि किलोग्राम में उसको स्टडी करना सुटेबल नहीं है, ग्राम्स में स्मॉलर यूनिट्स में स्मॉलर वैल्यूज को मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे फिर जो है वो 0.1 ग्राम इसका लीस्ट काउंट है, किसका, बीम बैलेंस का, ये जो बीम बैलेंस ऊपर हेडिंग लिखी हुई है। 0.1 ग्राम देखिए डेसिमल से राइट पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि बीम बैलेंस जो है वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस आपको क्या मेजर करके दे सकती है, मैस को एक्यूरेटली मेजर करके दे सकती है। उसके बाद फिजिकल बैलेंस देखें क्या है, फिजिकल बैलेंस है उसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 ग्राम। मैच पे आगे में देखें, मैं फिजिकल बैलेंस की बात कर रहा हूं, इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 ग्राम या 10 मिलीग्राम, ह्यूज डिफरेंस। देखें यहां पे आपके पास जो है अच्छा ये 0.1 ग्राम है, ये 0.01 ग्राम है,
इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऊपर वाला जो है वो आपको वन डेसिमल प्लेस तक की इंफॉर्मेशन देता है, नीचे फिजिकल बैलेंस आपको टू डेसिमल प्लेसेस तक की इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि 0.01 ग्राम उसका लीस काउंट है, ये ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा इस केस में। या इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करेंगे अब आप प्रिसाइज का, ये ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिसाइज कौन सी चीज होती है, याद रखिए प्रिसाइज मेजरमेंट वो मेजरमेंट होती है जो आपको लार्ज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दे। लार्ज वैल्यूज की बात नहीं की मैंने यहाँ पे, मैंने वर्ड यूज किया है प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जो आपको ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दे, यानी कि ज्यादा स्मॉलर वैल्यूज मेजर कर सकता हो, जिसकी एबिलिटी ज्यादा हो स्मॉलर वैल्यूज मेजर करने की। इसको अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो हमने कहा था लीस्ट काउंट जो था 1 मिलीमीटर था किसका, मीटर रॉड का। लेकिन हमने जब बात की थी वर्नियर कैलिपर्स की और आपके पास था स्क्रू गेज, उसमें जो डेसिमल प्लेसेस थी वो भी इन्वॉल्व हो जाती थी, कहने का मतलब है वो डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर देती थी। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज या सबसे ज्यादा स्मॉल वैल्यूज हमें 0.001 तक कौन गया था, स्क्रू गेज ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा आपको। उसके बाद 0.01 सपोज कर लें वो था आपके पास, या 0.1 वर्नियर कैलिपर्स का, फिर सबसे कम कौन था 1 मिलीमीटर, यानी कि वो पॉइंट्स में देता ही नहीं इन्फॉर्मेशन आपको, तो वो ज्यादा स्मॉल वैल्यूज नहीं देता। तो जो स्मॉल वैल्यूज यानी कि ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दे वो क्या होती है, वो मोर प्रिसाइज है। इट्स मेजरमेंट वुड बी मोर प्रिसाइज देन अ सेंसिटिव बीम बैलेंस। सेंसिटिव बीम बैलेंस का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव का मतलब होता है जो स्मॉल वैल्यूज को मेजर करता है। अब अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो इस वक्त फिजिकल बैलेंस ज्यादा सेंसिटिव है किसके मुकाबले में, बीम बैलेंस के मुकाबले में। यानी कि अगर आपके पास एक सेंसिटिव बीम बैलेंस है और अगर एक फिजिकल बैलेंस है, तो बीम बैलेंस की जो प्रिसीजन है वो कम होगी, यानी कि वो कम डेसिमल प्लेसेस तक आपको मेजर करके देगा इन्फॉर्मेशन, और जो फिजिकल बैलेंस है वो ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देगा, वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। तीसरा हमारे पास केस है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का, इसका लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा है। अब देखिए लीस्ट काउंट क्या है, स्मॉल वैल्यूज मेजर करने की एबिलिटी, ठीक हो गया। तो इसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है, 0.001 ग्राम, 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया। देखिए मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ, ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ था ना 100 मिलीग्राम, अगर हम डेसिमल प्लेसेस को छोड़ दें तो इस पे आ जाए, इस पे लिखा हुआ है 10 मिलीग्राम, इसका मतलब है 1 मिलीग्राम। अब गौर से देखें कि जो बीम बैलेंस है ये 100 मिलीग्राम इसका लीस्ट काउंट है, इसका मतलब क्या है, ये 100 मिलीग्राम से लेस वैल्यूज मेजर नहीं कर सकता, यानी कि जब ये मेजर करता है तो इसकी मेजर करने की जो तरीका है वो क्या है, 0 मिलीग्राम उसके बाद 100 मिलीग्राम, दरमियान में क्या हुआ इससे कुछ नहीं पता होता, फिर वो करेगा 200 मिलीग्राम, फिर वो करेगा 300 मिलीग्राम, दरमियान वाली कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, यानी कि दरमियान वाली एक्यूरेशन, दरमियान वाली जो आपके पास मेजरमेंट है वो एक्यूरेटली मेजर करके नहीं दे सकता आपको, उसके बारे में वो अननोन है, उसके लिए वो चीजें अननोन है, यानी कि 0 100 के दरमियान क्या है बीम बैलेंस को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे देखिए आप जो फिजिकल बैलेंस है ये जीरो के बाद 10 मिलीग्राम मेजर करता है, अब इसका लीस्ट काउंट 10 मिलीग्राम हो गया, यानी कि 10 से कम वैल्यूज नहीं मेजर कर सकता, 0 और 10 के दरमियान क्या है कुछ नहीं है, यानी कि आपको एक्यूरेटली मेजर नहीं करके देगा, 10 तक करता है, फिर उसके बाद क्या करेगा 20 30 40। अब देखिए फिर अगर आपने एक मेजरमेंट की, सपोज करें आपकी मेजरमेंट थी 100 मिलीग्राम की, सपोज करें तो बीम बैलेंस आपको बता देगा 100 मिलीग्राम, ये वाला आपको जो 10 मिलीग्राम वाला ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है, 10 20 30 40 अप टू 100 मिलीग्राम सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है आपको, तो ये आपके पास जो है वो ज्यादा एक्यूरेट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी 1 मिलीग्राम, देखें इसका लीस्ट काउंट है, मैं डेसिमल प्लेस से हट के बात कर रहा हूँ, अब जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उसका 1 मिलीग्राम है, तो ये मोस्ट प्रिसाइज क्यों बन गया, बिकॉज ये एक एक मिलीग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है। देखिए पहले के मुकाबले में जिस तो सिर्फ 100 मिलीग्राम मेजर करता है, ये 1 मिलीग्राम लीस्ट काउंट है इसका, यानी कि ये और ज्यादा स्मॉल वैल्यूज मेजर कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मोस्ट प्रिसाइज है, तो जिसकी एबिलिटी स्मॉल वैल्यू, बिल्कुल वही एग्जाम्पल है मैं अक्सर बच्चों को देता हूँ कि अगर आपने एक मैच देखा है, एक वो बच्चा जिसने सारा मैच देखा है, सपोज आप फुटबॉल देख रहे हैं 90 मिनट का मैच है, उसमें एक वो बच्चा जिसने हाईलाइट देखी है, ज्यादा प्राइस कौन होगा, हाईलाइट 15-20 मिनट में खत्म हो जाती है, एक दूसरा स्टूडेंट जिसने 90 मिनट देखा है उसके पास एक एक मिनट की इन्फॉर्मेशन है, तो वो ज्यादा प्रिसाइज है,
दूसरा बंदा जिसके पास सिर्फ हाईलाइट वाली है उसको सिर्फ पता होगा कि 45th मिनट में क्या हुआ था, 49th मिनट में क्या हुआ था, 78 मिनट दिखाया जाएगा उसको, उसको सिर्फ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। याद रखिएगा क्रिकेट मैच की अगर हम बात करें, एक वो स्टूडेंट है जिसने बॉल टू बॉल सारा मैच देखा है तो उसके पास इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, वो ज्यादा प्रिसाइज है, वो एक एक बॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन रखता है। लेकिन वो जो स्टूडेंट है जिसने सिर्फ हाईलाइट देखी है उसको सिर्फ ये पता है कि 30 ओवर के पहली बॉल पे क्या हुआ था, बाकी बॉल्स बॉलों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसके पास। तो जिसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो ज्यादा प्रिसाइज है, वो ज्यादा अच्छी वैल्यूज आपको मैयर करके दे रहा है, वो ज्यादा रिलायबल है, ये मतलब होता है। तो यहाँ से एक्यूरेट की बात जब करेंगे तो ऑब्वियसली जिसकी डेसिमल प्लेसेस ज्यादा है या जिसकी स्मॉल वैल्यूज मैयर करने की एबिलिटी ज्यादा है या जो ज्यादा स्मॉल वैल्यूज की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं वो ज्यादा एक्यूरेट, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को हम नंबर वन पे रख देंगे। ठीक हो गया जी, तो ये आपके पास कंपैरिजन मेथड है। एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, मास ऑफ द 1 रुपी कॉइन से इसने दिया। अब देखें उसने क्या कहा, जब डीप बैलेंस से मेजर किया तो कॉइन का मास आया 3.2 ग्राम। अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि इससे 3.2 ग्राम आ रहा है, फिजिकल बैलेंस से 3.24 आ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से 3.247 ग्राम आ रहा है। ये मैंने जो अभी एग्जाम्पल दी है हाईलाइट्स वगैरह, तो अब आपके पास जब आप पीसी की इन्फॉर्मेशन लेंगे तो ये डिपेंड करता है कि उस जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसके पास खुद कितनी इन्फॉर्मेशन है। किसी के पास हाईलाइट की इन्फॉर्मेशन है, किसी के पास पूरे मैच की इन्फॉर्मेशन है, ये चीजें वेरी कर सकती है। जब आपने 1 रुपी कॉइन का मैच मेजर किया बीम बैलेंस से तो आंसर आया 3.2 ग्राम। जब आपने किया फिजिकल बैलेंस से, सपोज कर रहे 3.24 ग्राम आया, उसके बाद ये 3.247 ग्राम आया। क्यों? क्योंकि जो आपने डिवाइसेस यूज किए हैं उनकी जो मेजरिंग एबिलिटी है वो वेरी करती है, यानी कि वो चेंज्ड है। तो यहाँ पे फिर 3.2 ग्राम बीम बैलेंस 1 डेसिमल प्लेस तक आपको इन्फॉर्मेशन देता है। अगला वाला फिजिकल बैलेंस आपको 2 डेसिमल प्लेस तक दे रहा है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस 3 डेसिमल प्लेस तक दे रहा है, तो सबसे ज्यादा ये रिलायबल है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, क्योंकि आपको ये आपको डेसिमल से लेफ्ट वाला डिजिट भी दे रहा है, डेसिमल से बाद वाले डिजिट 3 भी दे रहा है। तो पहले वाला सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक आ रहा था, अगले वाला 2 डेसिमल प्लेस तक, 2.4, अगले वाला 2.47। तो ये आपके पास आ गया कंपैरिजन इसका। तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को ज्यादा एक्यूरेट समझेंगे क्योंकि ये ज्यादा प्रिसाइज है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। टाइम मेजरिंग डिवाइसेस क्या है, हमने स्टॉप वॉच की बात करनी है। स्टॉप वॉच क्या, यूजली हमारे पास ये कॉमन यूज है इसका, और मैराथन रनर की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक मैराथन रनर है जो एथलीट है, सपोज वो एक लैप उसमें कवर करना है या एक बाइकर है वो रेसिंग कर रहा है उसने एक लैप कंप्लीट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम टाइमिंग डिवाइसेस यूज करेंगे। जो हमने टाइमिंग डिवाइसेस पढ़नी है वो है स्टॉप वॉच। और स्टॉप वॉच बेसिकली दो तरह की है, आप जहाँ फैमिलियर होंगे वो होंगे डिजिटल स्टॉप वॉच से, लेकिन पुराने जमाने में एक टाइप थी जिसको हम मैकेनिकल या एनालॉग डिजिटल एनालॉग क्लॉक भी बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, स्टॉप वॉचेस दो तरह की है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच एक है, डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल यूजली एनालॉग होती थी और डिजिटल जो आजकल आप देखते हैं आपके मोबाइल फोन में भी है, आपकी जो वॉचेज होती हैं डिजिटल उसमें भी आती है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इम्पोर्टेंट सबसे फर्क ये है कि दोनों की जिस तरह हमने अभी बीम बैलेंसेस वगैरह को कंपेयर किया, दोनों का कंपैरिजन अगर करें दोनों का लीस्ट काउंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल लीस्ट काउंट है मैकेनिकल स्टॉप वॉच का, ये देखिए मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम ऑफ 0.1 सेकंड्स, यानी कि 0.1 सेकंड का लीस्ट काउंट है किसका, मैकेनिकल स्टॉप वॉच का। ये जो 0.1 सेकंड है कैसे आता है, 1 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 1/10 ऑफ द सेकंड। अगर आप 1 को डिवाइड कर दें 10 से तो आंसर क्या आएगा, 0.1। अगर आपको अब याद हो एक साइंटिफिक नोटेशन में एक क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें 1/10 था, तो 1/10 बेसिकली डिवाइड करके लिखा हुआ है, 1/10 इसको डिवाइड आप करेंगे, मैंने फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो 0.1 सेकंड इसका आंसर बन जाता है। तो इसका जो है स्टॉप वॉच वो 0.1 सेकंड। अगर हम कंपेयर करें इसको डिजिटल स्टॉप वॉच के साथ तो डिजिटल स्टॉप वॉच 1/100 ऑफ द सेकंड मेजर कर सकते हैं, 0.01 सेकंड, यानी कि इसकी 2 डेसिमल प्लेस तक की मेजरिंग एबिलिटी है। तो देखिए ज्यादा छोटी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ज्यादा स्मॉल वैल्यूज तक कौन आपको इन्फॉर्म कर रहा है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास है, जिसकी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज्यादा है, किसकी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज्यादा है, दिस इज द स्टॉप वॉच की। अभी जो 1/10 और 1/100 का मतलब है इसको समझना थोड़ा सा आपने। सपोज कर लें कि आपके पास एक चीज है जिसको आप यूनिटी या 1 बोल रहे हैं, यानी कि आपके पास सपोज कर लें कि आपके मार्क्स है, तो आप 1/10 का मतलब होता है उसका 10वां हिस्सा, यानी कि उसका 10th पार्ट। अगर आपके पास सपोज जो है वो
एक को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि नंबर 1 है उसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे, उसके 10 पार्ट बन जाएंगे। तो 1/10 का मतलब ये होता है, ये 1/100 का मतलब ये होता है कि उसका 100th पार्ट, उसका 100वां हिस्सा। तो अब आपके पास जो कंपैरिजन है, इससे हमें क्या पता चला कि जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और जो डिजिटल स्टॉप वॉच है, इसमें से ज्यादा एक्यूरेट कौन है? डिजिटल स्टॉप वॉच, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ज्यादा है। और अगेन ये कंफ्यूज नहीं होना, जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना कि इसका लीस्ट काउंट ज्यादा है, इसका मतलब होता है इसकी स्मॉल वैल्यूज मेजर करने की एबिलिटी ज्यादा। ये नहीं होगा कि इसका लीस्ट काउंट 1000 सेकेंड हो गया, इंक्रीज होने का ये मतलब नहीं है, या ज्यादा होने का ये मतलब नहीं है। लीस्ट काउंट ज्यादा होने का मतलब ये है कि इसकी स्मॉल वैल्यूज को मेजर करने की एबिलिटी ज्यादा है, यानी कि इसकी मेजरिंग एबिलिटी ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें होगी। मैं इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे, इसने अब जब कंपैरिजन किया है कि स्टॉप वॉच को यूज किस तरह करना है, तो इसकी डायग्राम पहले आप देख लें यहाँ पे, ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और इसी के साथ नीचे बनी हुई है जो है डिजिटल स्टॉप वॉच। आप मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, आप पहले जो है वो यूजली जो है आपको इसके बारे में तो पता होता है, डिजिटल स्टॉप वॉच के बारे में। मैकेनिकल स्टॉप वॉच इस तरह से होती है, कहीं भी आपने देखी होगी लाजमी बात। अब यहाँ पे देखें कि इसके ऊपर एक जो है वो नॉब बनी हुई है, या इसको हम कहते हैं जिस तरह आपके जो खिलौने होते थे ना टॉयज, अगर आपको याद हो, आप उसकी चाबी घुमाते थे और वो आगे मूव करने शुरू कर देता था, इसी तरह ये नॉब जो है ये मूवेबल है। बेसिकली ये नॉब का फंक्शन क्या है, ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होती है। ये स्प्रिंग के साथ क्यों कनेक्टेड होती है? बिकॉज कभी आप ऑब्जर्व करें, अगर आपके पास एक पिकासो का पेन है, आप उसका स्प्रिंग बाहर निकालें, स्प्रिंग जब आप बाहर निकालते हैं ना, उसको जरा ट्विस्ट करने की कोशिश करें, जब वो ट्विस्ट होता है, या अगर आपके पास टेलीफोन की वायर है, आप उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करें, तो वो क्या करने शुरू करती है? अनट्विस्ट होने की कोशिश करती है। अनट्विस्ट क्यों होती है? क्योंकि उसके पास एनर्जी आ चुकी होती है। अब आपके पास जो स्टॉप वॉच है डिजिटल, उसको तो आप यूज करते हैं सेल से, यहाँ पे जो एनर्जी है, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉचेस है, दो तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, या तो इसको सेल से चलाया जाता है, लेकिन यूजली जो पुरानी डिवाइसेस थी उसको हम स्प्रिंग से, यानी कि जो नॉब है इसको हम रोटेट करवाते थे, यानी कि घुमाते थे, और स्प्रिंग जो इसके अंदर होता था उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती थी। तो आप कोई सी भी रोप ले लें, कोई सा रबर बैंड ले लें, आप उसको ट्विस्ट करें, तो आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो एनर्जी वही वापस कन्वर्ट हो जाती है और आपके पास एनर्जी सप्लाई हो जाती है। तो अब अगर आपने इसकी नीडल को चलाना है, यानी कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच की नीडल को चलाना है, तो आप इसको क्या करते थे, यानी कि इस नॉब को क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं, इस नॉब को घुमाते हैं, मूव करवाते हैं, ताकि इसके स्प्रिंग को एनर्जी मिले। वो स्प्रिंग कनेक्टेड है नीडल के साथ, वो स्टॉप वॉच फिर जब आप कोई टाइम मेजर कर रहे होगे किसी भी चीज का, तो ये स्टॉप वॉच चल पड़ेगी, तो इसको एनर्जी इस तरह सप्लाई की जाती है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी है वो है मैकेनिकल स्टॉप वॉच के बाद डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल वो एनालॉग होता है, यानी कि आपके पास जिस तरह बल्ब क्लॉक होती है 1, 2, 3, 4, वॉच कभी, लेकिन जो आपके पास डिजिटल स्टॉप वॉच वो है डिजिटल डिस्प्ले, यानी कि डिजिट्स की फॉर्म में, ये जब ऐसे सेल से चलते हैं, इसमें होते हैं इसमें टेबल 3 बटन होते हैं, एक होता है स्टार्ट और स्टॉप का बटन, और एक होता है रीसेट का बटन, और एक दरमियान का मोड होता है जिसमें अगर वो थोड़ी सी एडवांस लेवल पे स्टॉप वॉच, तो उसमें आपको वो कैलेंडर भी बताया था, तो वो इस तरह की वो चीजें हैं। तो अगर आप स्टार्ट स्टॉप करते हैं तो वो आपका टाइम, अगर आप इनिशियली फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप करेंगे दोबारा प्रेस तो वो स्टॉप हो जाएगा, रीसेट का दबाएंगे तो दोबारा 00 पे आ जाएगा, तो आप अगले उसके लिए यूज कर सकते हैं दोबारा से। तो इस तरह से आप पास जो डिजिटल स्टॉप वॉच है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, अगर कोई मसला हो तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। और ये आपके पास था कंपैरिजन मैकेनिकल स्टॉप वॉच का और डिजिटल स्टॉप वॉच का, उससे पहले हमने पढ़ा कंपैरिजन एनालिसिस का। तो ये था आपका आज का आर्टिकल, ये सारी चीजें जो है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ एक क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, या फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली राइट अ नोट ऑन डिजिटल स्टॉप वॉच, या राइट अ नोट ऑन मैकेनिकल स्टॉप वॉच। वेरी शॉर्टली यहां पे दिया हुआ है, आपने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में करना है। डायग्राम जो है वो आप एक रफ सी डायग्राम बना सकते हैं और इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये था जो आज का आर्टिकल, अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।